अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे। तो आज की मेरी वीडियो कुछ कुकिंग से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैंने अपने कपड़े सिए जो 25वें रोज़े से रमज़ानों से मशीन में लगे हुए थे, तो मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने कहा चलो अब वो सी लेती हूँ। तो ये वो ड्रेस है जो मैंने काफ़ी टाइम से मशीन में था लगा हुआ, तो वो सिल ही नहीं पा रहा था, टाइम ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी। तो अब जैसे मुझे टाइम मिला तो मैंने नए अपनी ड्रेस सी ली है। सिंपल सी ड्रेस है, प्यारी सी लॉन की ड्रेस है, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैंने कहा अभी तक मैं दिखाऊँगी, और ये जो है ना इसके साथ इसमें से कपड़ा कुछ बच गया था, तो मैंने जो है वो अपनी बेटी का फ्रॉक भी सिया है ना इसमें से, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर करूँ। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ना। इसका ट्राउज़र है, सिंपल ही लॉन का ट्राउज़र है इसका, बहुत सॉफ्ट कपड़े में है, प्यारी सी ड्रेस है, सॉफ्ट सी गर्मियों के हवाले से। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। इसका दुपट्टा है, दुपट्टा इसका बहुत बड़ा है ना, काफ़ी बड़ा है दुपट्टा इसका, अच्छा खासा बड़ा भी और चौड़ा भी है ना। अब बताइएगा कि कैसा लगा। ये मैंने घर में स्टिच किया था ना, तो वैसे तो मैं कर लेती हूँ घर में कपड़े, घर ही में ही कपड़े सिलाई करती हूँ, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। सिंपल सी ड्रेस है, तो ये तकरीबन मेरे ख्याल महीना हो गया, एक महीने में जाके ये ड्रेस सिली है। तो अभी मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कितना प्यारा लग रहा है ना, ये बहुत प्यारा सा प्रिंट है ग्रीन और येलो के कंट्रास्ट में। और इसके साथ ही मैंने अपनी बेटी का फ्रॉक भी सिया है, गेरा कितना प्यारा लग रहा है। ये भी इसमें साइड में, अब आप लोगों को पता भी तो कपड़ा इतना बचता ही नहीं है, तो ये मैंने शलवार का कपड़ा लगा के बीच में, तो इसकी लेंथ बड़ी कर दी ना। तो ये मेरी बेटी अभी 2 साल की होने वाली है, तो ये 2 साल की बच्ची को आराम से बन गया ना उसका फ्रॉक। तो पर इसमें मैंने इलास्टिक लगा के ना, तो इसके स्टेप लगा दिए। मेरा दिल चाह रहा था, मैंने कहा उसका अभी जो है ना वो गर्मियाँ हैं, तो वो लॉन का फ्रॉक हो अच्छा लगता है, बच्चियाँ पहनती हैं। तो तब मैंने ना उसका जो भी कटिंग बची थी ना वो सारा इसमें लगा दिया, तो उसका फ्रॉक बन गया ना। चलो शलवार और ट्राउज़र का जो उसका कपड़ा था सब मैच मिक्स करके ना तो मैंने उसका फ्रॉक सी दिया ना। और मैंने कहा आज चलो कुकिंग की छुट्टी कर लेते हैं, तो आप लोगों के साथ ही वाली वीडियो शेयर कर लेते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, बताइएगा ज़रूर कैसा लगा मेरी बेटी का फ्रॉक और जो है वो मेरी ड्रेस भी। और आज है ना मैंने कुकिंग तो करी है लेकिन कुछ नया ट्राई किया है, तो उसकी रेसिपी तो मैं नेक्स्ट कभी आप लोगों से शेयर करूँगी। ये देखें चिकन ब्रेड ट्राई किए मैंने, और ये बहुत मज़ेदार सी और सॉफ्ट सी बनी थी ना। और आप बताइएगा कि इसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट टाइम फिर कभी मैं शेयर करूँगी, इसकी रेसिपी मैं नहीं शेयर कर सकी। ये भी मैंने भी फर्स्ट टाइम ही बनाया ना, तो इतना कुछ ख़ास बुरा नहीं बना, लेकिन जायके में बहुत मज़ेदार था, बहुत यम्मी बना है। और नेक्स्ट ट्राई करूँगी ना तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।